नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जान से मारने की धमकी मिली, तो दूसरी तरफ उनके विरोधी अब खुलकर सामने आ गए। उन्होंने कहा कि ये पूरी साजिश साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की तरफ से ही रची गई है। यह आरोप लगाया है मिर्ची बाबा ने, उस मिर्ची बाबा ने जिन्होंने दिग्विजय सिंह के समर्थन में प्रचार किया था 2019 के लोकसभा चुनाव में। जाहिर सी बात है, जो दिग्विजय सिंह के समर्थन कर रहे थे तो सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ ही थे। सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर दिग्विजय सिंह के सामने चुनाव मैदान में थी और आखिरकार भोपाल से सांसद भी बन गई। बड़े मार्जिन से उन्होंने दिग्विजय सिंह को हराया था। दिग्विजय सिंह के साथ कंप्यूटर बाबा थे, दूसरी तरफ मिर्ची बाबा थे। मिर्ची बाबा वही बाबा है जिन्होंने बाकायदा चेतावनी दी थी कि यदि दिग्विजय सिंह नहीं जीते लोकसभा चुनाव तो वो जल समाधि ले लेंगे। अब उस मिर्ची बाबा ने सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जो जान से मारने की धमकी मिली है, उस पूरे प्रकरण पर अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि ये सब कुछ साध्वी का ही किया धरा है, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के हाथ जो है वो खून से सने हुए। ये गंभीर आरोप लगाया मिर्ची बाबा ने। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर खुद ही मास्टर माइंड है, तो आखिरकार उन्हें कौन मारेगा? कैसे सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मिली धमकी के बाद मिर्ची बाबा ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया, एक बार वो सुनिए। सर, साध्वी को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी है, वो कह रहे हैं अंडरवर्ल्ड ने मुझे धमकी दी। पहली बात तो मैं पंचायती निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर हूँ। सांसद प्रज्ञा को मैं कहना चाहता हूँ कि ये बार बार पाखंड क्यों कर रही है, इस पाखंड को बंद करें। भोपाल के विकास की बात करें, भोपाल के उत्थान की बात करें, और इनके खून से रंगे हुए हाथ पहले से ही हैं, इन्हें कौन मारेगा? कोई इन्हें मार सकता है? ये तो स्वयं ही मास्टरमाइंड है, पाखंड क्यों कर रही हैं? जनता के बीच में पाखंड बंद करें और विकास की बात करें, समाज के उत्थान की बात करें। ये पाखंड करना बंद करे सांसद प्रज्ञा। सर, लेकिन वो तो कहते हैं कि मैं मुसलमान समुदाय के खिलाफ हूँ, इसलिए मुझे ये धमकी मिलती है, और मैं हिंदू समाज के साथ खड़ी हुई हूँ और आगे भी खड़ी रहूँगी। एक बात बताइए मुझे, पूरे भारत में ये हो क्या गया कि आग क्यों लगा दी गई हिंदू मुस्लिम? ये तो सद्भावनाओं का देश है, ये तो श्रद्धाओं का देश है, ये तो आस्थाओं का देश है, और यहाँ आस्थाओं की देश में ये आग क्यों लगाई जा रही है? ये उनसे पूछिए। कितना लगाई है आग? लगा तो रही है। ये आग नहीं है, अभी तुम्हारे सामने ये आग नहीं लगी है, ये आग सामने तो है ही। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तुम देख रहे हो, जो बोल रहे हैं वही जिम्मेदार है। पाखंड क्यों फैला रहे हैं? पाखंड बंद करें, विकास के नाम पर बात करें, रोजगार के नाम पर बात करें। और देखिए, इनके कुछ नेता कहते हैं कि यहाँ भारत में किसी को खतरा हो तो पाकिस्तान भेज दो, तो इसको आज साध्वी को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, यहाँ रहने का अधिकार नहीं। जय हिंद, जय भारत। तो आपने सुना मिर्ची बाबा को, मिर्ची बाबा ने ये तक कह दिया सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को कि उनके हाथ खून से सने हुए हैं, और बहुत सी बातें उन्होंने कही सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बारे में। मिर्ची बाबा कांग्रेस खेमे में एक तरीके से माना जाता है, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हो या फिर दिग्विजय सिंह हो, वो उनसे लगातार मिलते रहते हैं। और क्योंकि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर दिग्विजय सिंह के खिलाफ 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ी थी भोपाल से, और मिर्ची बाबा जो है उन्होंने बाकायदा एक मिर्ची यज्ञ भी कराया था करीब 1.5 क्विंटल मिर्ची से उस समय, और उस समय काफी सुर्खियां भी बटोरी थी क्योंकि उन्होंने साफ कहा था कि दिग्विजय सिंह ही भोपाल का लोकसभा चुनाव जीतने जा रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो जल समाधि ले लेंगे। हालांकि बाद में दिग्विजय सिंह तो चुनाव हार गए, लेकिन मिर्ची बाबा ने जल समाधि नहीं ली।